उमर, उमर, उमर रुक जाओ, मैंने तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए, तुम चेंज कर लो, मैं चाय बने रख के आई हूँ, मैं जल्दी से लेकर आती हूँ। तू बार सलान भाई से कहो कि तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दे, और ये बार बार मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। जाओ यहां से। ठीक है, मत जाओ, मैं जा रही हूँ। जल्दी तैयार हो जाओ, हम लेट हो रहे हैं। तूफा, मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। उमर, पर अरसलान भाई ने हम दोनों को इनवाइट किया है ना। तो तुम चली जाओ। उमर, इनविटेशन हम दोनों का है तो मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ? दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों, अरसलान भाई भी आप ही के साथ किसी दावत में नहीं आए? देखो उमर, यहाँ मेरी और तुम्हारी बात हो रही है, इसमें अरसलान भाई और भाभी कहाँ से आ गए, और हमारा उनसे क्या कंपटीशन है? उमर, एक बात आज तुम समझ लो, आइंदा किसी के भी रिलेशनशिप को हमारे रिलेशनशिप से कंपेयर मत करना, और खास तौर पे तुम्हारी बहन और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। देखो, मुझसे फजूल की बहस मत करो, मेरे सर में पहले ही दर्द हो रहा है, इसीलिए ऑफिस से भी जल्दी आ गया था। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है तो तुमने बताया क्यों नहीं है? इतनी देर से इतनी बातें कर रहे थे, और ये इम्पोर्टेंट बात क्यों नहीं की तुमने? अच्छा रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, दवाई लेके आती हूँ, तुम बस अभी रेस्ट करो, मैं 2 मिनट में अभी चाय लेके आ रही हूँ। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। फो आंटी, अब तक किस तरह कर रही हैं? अरे बेटा बस हो गई, मैं लेकर ही आ रही थी, लो। आप क्यों लेकर आ रही थी? उमर की नजरों में मुझे शर्मिंदा करवाना चाहती हैं? मैंने नहीं कहा आपको ये सब काम करने को, आप खुद करती हैं। बेटा मैंने कब कहा कि तुमने मुझे काम के लिए कहा था? वो तो मैं, देखिए आंटी, किचन में काम करना मेरे बस की बात नहीं है। आप एक काम करें, 2 कप अच्छी स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाएं, और याद रखिएगा मैं चीनी नहीं पीती। और हाँ आंटी, आप मत लेकर आइएगा, मैं खुद आऊंगी चाय लेने। उमर, उमर, उमर रुक जाओ, मैंने तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए, तुम चेंज कर लो, मैं चाय बने रख के आई हूँ, मैं जल्दी से लेकर आती हूँ। तू बार सलान भाई से कहो कि तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दे, और ये बार बार मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। जाओ यहां से। ठीक है, मत जाओ, मैं जा रही हूं। अरे तूबा, उमर नहीं आया? वेल डन, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं आप, मैं आप ही से बात करने आई हूं। प्रवीण, प्रवीण तुम अंदर जाओ, उस कमरे की करो सफाई। एक तरफ तो आप उमर को फोन कर करके भड़काती रहती हैं, और दूसरी तरफ मेरे भाई के आगे मासूम बन जाती हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने कब किया इस तरह? आपने अरसलान भाई को मना किया था ना, बताए मुझे आपकी उमर से क्या कोई बात नहीं हुई? गुड़िया क्या हुआ है? पूछे इनसे क्या हुआ है, उमर को फोन कर करके मेरी शिकायतें करती रहती हैं। मैंने मैंने उमर को कोई फोन नहीं किया, आप चाहे तो उसको फोन करके पूछ लें। झूठ भाई, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मेरे यहाँ आने से पहले उमर ने मुझे मना कर दिया, ऊपर से मुझे ताना मारा कि आप इन्हें कहीं नहीं लेके जाते। तो तुम बाज नहीं आओगी? अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है, कोई मुझसे तकलीफ है, तो तुम मुझे आकर बताओ ना, इसके लिए क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो? मैं इसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों करूंगी? क्योंकि भाई इनसे बर्दाश्त नहीं होता,
ये मुझसे और उमर से जेलस है। इसमें मेरा क्या प्रॉब्लम है अगर अरसलान भाई हर वक्त काम करते रहते हैं? इसे मैंने क्या किया है? मैं तो अपने भाई को कभी कंप्लेन नहीं करती कि आप यहाँ बड़े से महल जैसे घर में रहती है, नौकरों से काम लेती है, जहाँ मैं एक दो कमरों के छोटे से बंगले में रहती हूँ, हाथ जला जला कर किचन में काम करती हूँ। क्या गुड़िया बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? हाथ हाथ दिखाओ मुझे अपने। बेटा क्या क्या जरूरत थी किचन में जाने की? अच्छी तरह से तुम जानती हो तुम्हारा भाई तुम्हें 10-10 मुलाजमीन रख के दे सकते। बेटा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता मैं। आइंदा किचन में मत जाना। दिस इज नॉट फेयर, आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट फेयर। और तुम्हारे भाई से इस बारे में मैं खुद बात करूंगा। मुझे देर हो रही है भाई, मुझे भी जाना है। लेकिन बेटा तुम तो खाने के लिए आई थी ना। भाई किसी और वक्त उमर के साथ आऊंगी ना, बस अब भाभी से बोलिएगा कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करें प्लीज। ठीक है, अच्छा भाई मैं चलती हूँ। गुड़िया बेटा ख्याल रखना अपना प्लीज। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले जरा जाके तुम्हारे भाई को देखूं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहती जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।